शिक्षक अभ्यर्थियों के आरोप क्या क्या हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थी भी कई तरीके के जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर। उनका ये कहना है कि फर्जी डिग्री पर बहाली का वो आरोप लगा रहे हैं, साथ ही आरोप ये भी कि गलत तरीके से नौकरियां जो हैं वो दी गई, इसका भी आरोप शिक्षक अभ्यर्थी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि सही वेरिफिकेशन करने की उनकी मांग है कि सही वेरिफिकेशन कई स्तरों पर नहीं किया गया, वो सही वेरिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बाहरी उम्मीदवारों के माध्यमिक स्तर तक पहुंचने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो ये शिक्षक अभ्यर्थियों के बड़े आरोप हैं इस पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। तो 2 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, 2 नवंबर को बिहार को 1.20 लाख नए शिक्षक मिलेंगे। श्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देंगे, चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिया जाएगा। तो गांधी मैदान में इस कार्यक्रम को रखा गया है जहां पर श्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, चयनित शिक्षकों को उस दिन ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दी जाएगी। और बता दें कि शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग के लिए होमवर्क भी किया है कि किस तरीके से सही तरीके से पोस्टिंग जो है वो शिक्षकों की कराई जा सके, की जा सके। सॉफ्टवेयर से शिक्षकों की पोस्टिंग की बात कही जा रही है, तो पूरी तैयारी है पोस्टिंग को लेकर के, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। शिक्षकों के नाम भी जो सॉफ्टवेयर में फीड किए जा रहे हैं और पूरा जो डेटा है वो तैयार किया गया है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों के स्कूल का जो आवंटन है वो कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि काफी एडवांस्ड तरीका जो है, टेक्निक है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किस टीचर को कौन सा स्कूल मिलेगा। अब इसको भी समझ लेते हैं, तो इसमें अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी, ये बात सामने आ रही है। और देखिए इस बीच शिक्षक नियुक्ति पर बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, नियोजित शिक्षकों को इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो नहीं लेनी होगी, चयनित जिले में जाकर सिर्फ नियुक्ति पत्र ही लेना होगा। ये खबर, ये अपडेट सामने आ रही है कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो नहीं लेनी होगी, सिर्फ चयनित जिले में जाकर नियुक्ति पत्र लेना होगा। नियुक्ति पत्र लेकर नियोजित शिक्षक मूल विद्यालय में योगदान कर पाएंगे, छठ के बाद सॉफ्टवेयर से स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी, आवंटित जिले में ही पोस्टिंग के बाद देना, उनको योगदान देना होगा। और रजनीश हमारे साथ इस पूरी